वेलकम स्टूडेंट्स आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स टुडे टू कंटिन्यू द ग्रामर सेशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई हैव केप्ट बिफोर यू एज अ लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू नो अबाउट दिस लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कीपिंग इन टच विथ फ्रेंड्स and your relatives and this keeping in touch with your friends and relatives your friends and relatives are highly fascinated but today in the present scenario what happens email a most sophisticated device developed email in place of letter writing there but as your syllabus demands about the letter writing and you know the letter always keeps contact with your friends and relatives whenever you want to reread the letters you can just expose this one and you can read again and again but in present scenario it has become so changed so now how will you write the letter writing it's a very very important for you letter writing ko hum syllabus mein hum logon ne joda hai aur usko kis tarah se hum log continue karenge kaise banayenge uska ek rules aur regulations hote hain jo bahut hi aapko scoring karne mein bahut hi important role karenge to aap isko dhyan se dekhenge ki kis tarah se hame isko proceed karna hai letter writing humne bataya लेटर राइटिंग में आप देख रहे हैं कि लेटर दो तरह के होते हैं ठीक है एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं ऑब्वियसली अब ये दो तरह के जो लेटर्स हैं तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या है अब आपका सवाल होगा सर इनफॉर्मल लेटर्स क्या है और फॉर्मल लेटर्स क्या है तो मैं आपको अलग अलग मैं बता रहा हूं कि इनफॉर्मल लेटर्स कहते किसे हैं इनफॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं वैसे लेटर्स जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं और अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं रिलेटिव से बहुत सारे हो गए अंकल हो गए आंट हो गए मामा जी हुए बहुत सारे पैटर्नल अंकल भी हुए तो बहुत सारे रिलेटिव्स आपके होंगे सिस्टर्स ब्रदर्स वट एवर इट इज एंड फ्रेंड्स में तो आप जान ही रहे तो इस तरह के जो लेटर्स आपको लिखना होता है तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर के कैटेगरीज में डालते हैं तो आप कहेंगे फिर फॉर्मल लेटर्स क्या हुआ सर तो फॉर्मल लेटर्स में होता है लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हम लेटर लिखते हैं या बिजनेस हाउसेस के लिए लिखते हैं या लेटर्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं या एप्लीकेशंस आप लिखते हैं जैसे प्रिंसिपल को लिखे हेडमिस्ट्रेस को लिखे इस तरह से हुआ तो एप्लीकेशंस में आ गया और इनविटेशंस भी अगर देना हो उस कंसर्निंग में ये सारे जो टॉपिक होते हैं ये सारे पॉइंट्स ये फॉर्मल लेटर्स में कैटेगरीज में आते हैं अब आपका सवाल होगा कि सर इनफॉर्मल लेटर्स अगर लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे लिखने का उसका तरीका क्या है वेरी ऑब्वियसली योर क्वेश्चन इज वेरी क्वाइट लेजिटिमेट सो दिस वन इज फॉर्मेट ओके और मैं एक लाइन यहां खींच रहा हूं ऐसे कि लेफ्ट मोस्ट लाइन से ही आप लिखेंगे और एंड भी करेंगे लेफ्ट में ये नहीं कि सारा कंटेंट लिख दिया और राइट में हमने लिखा ऐसा नहीं होगा तो इसके बारे में इस कॉन्टेंट इस फॉर्मेट में आने के पहले हमें ये कुछ यहाँ पर कुछ ए बी सी डी में हमने कुछ बताया बातों को उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे जैसे एड्रेस हमने दिया अब एड्रेस जैसे यहाँ पर ये एड्रेस है ए ये एड्रेस हो गया ये वाला पोर्शन आपका एड्रेस इस एड्रेस को इस एड्रेस से आप कंपैरिजन कीजिए इस एड्रेस में आपको करना क्या है मस्ट बी कंप्लीट विद द पिन कोड ऑफ द प्लेस यहाँ पिन कोड क्यों दिया गया पिन कोड देने से आप पूछेंगे पिन कोड का क्या इंपॉर्टेंस है सर तो पिन कोड का इंपॉर्टेंस ये है कि हम
उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के लिए हम वो करते हैं, भेजते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि इस पिन कोड से आपको जो लेटर है वो एक सही जगह पर पहुंचने में आसानी होती है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और उसको मोहल्ला वाइज जो है उसका कैटेगराइज कर देता है पिन कोड के हिसाब से। तो पिन कोड को लिखना बहुत ही जरूरी होता है उससे, तो उसको पिन कोड लिखेंगे। फिर बी में हमने दिया है डेट, डेट क्या है, तो जुलाई 13th 2021। या डेट देने का क्या तरीका है, या तो जो महीना है मंथ है उसको लिखिए, फिर मान लीजिए आज 13th है तो 13th को हमने वो कर दिया, 14th है तो 14th कर दिए, फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट कर दिए, वन लिखकर ST कर दिए, और फिर ईयर कर दिए कॉमा देकर। ठीक है, कॉमा नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कर देंगे। या आपका लिखने का तरीका हो तो ऐसे लिख लीजिए 13 जुलाई 2021, या तो कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर डेट देंगे तो जुलाई, जैसे आज जैसे हुआ 13 जुलाई लिखना हो तो जुलाई 13, 2021, और अगर लिखना हो तो डेट को लिख दीजिए पहले, फिर मंथ, फिर ईयर, उस तरह से हम डेट को लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन में जैसे आप डियर, हाँ माई डियर, जो कुछ भी लिखते हैं आप अपने रिलेटिव्स को, उस तरह से आप लिख देंगे। रेस्पेक्टेड अगर देना चाहते हैं, रेस्पेक्टेड अंकल, तो वो भी दे सकते हैं आप, डियर अंकल भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं, तो उसको सैल्यूटेशन हम देंगे। और फोर्थ कैटेगरी में है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में कब दिया जाता है, जब लेटर पूरा खत्म हो जाता है, लेटर लास्ट कर गया और हम लास्ट में अब हम एंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें सब्सक्रिप्शन में देंगे योर्स अफेक्शनेटली, या योर सन, योर ट्रूली सन, या योर लविंग सन, कुछ भी दे सकते हैं, ये आपको देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या आपको देना होगा इस फॉर्मेट में मटेरियल, वो हमने यहां बताया। अब यहां पर फॉर्मेट में आ जाइए, फॉर्मेट कैसे देना है। जैसे एक जैसे आप पेज पर लिखते हैं तो लेफ्ट मोस्ट से लिखते हैं, तो एकदम कॉर्नर से यहीं से शुरू करेंगे, और जो भी कंटेंट लिखेंगे यहीं से शुरू करेंगे। ये नहीं कि एक यहां लिखे दूसरा कंटेंट इधर लिखे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप आइए यहाँ राइटर्स एड्रेस। हमने आप ए पर बताया था एड्रेस, तो एड्रेस किसका हुआ, राइटर्स एड्रेस, यानी आपका एड्रेस होगा। आप चूंकि लेटर को लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस सबसे ऊपर में, लेफ्ट मोस्ट अपर पोर्शन में, देयर शुड बी केप्ट योर एड्रेस वेरी क्लैरिटी, विथ वेरी क्लैरिटी। फिर ये हमने जो बनाया डिजाइनिंग, ये स्पेस के लिए बनाया, आपको ध्यान में रहा है, ये स्पेस होगा, मतलब इसको और इसको लिखने के बीच में एक स्पेस आप प्रोवाइड करेंगे, यानी एक लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद जब आप डेट दे देंगे, डेट कैसे देंगे, मैंने यहां पर बता दिया डेट देने का क्या तरीका होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद उसके आगे क्या होगा, डेट के बाद फिर एक स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद यहां देंगे डियर मदर, और ये सैल्यूटेशन कहलाया आपका, डियर मदर दीजिए, डियर अंकल, जो भी आपका रिलेशन में पढ़ते हैं उसी हिसाब से आप सैल्यूटेशन देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। और उसके बाद यहाँ पर आप कंटेंट देंगे कि मैं अच्छे तरह से, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई होप सो यू आर वेरी क्वाइट वेल देयर, एंड आई एम जस्ट फीलिंग मच बेटर टू राइट योर लेटर, इस तरह का बॉडी ऑफ द लेटर में आप जो जो मटेरियल लिखना चाहते हैं इस लाइन में अपना आप लिख देंगे। और लिखने के बाद एकदम जब लास्ट आपके एकदम खत्म हो जाएगा लिखना, एकदम इंड हो जाता है, तो इंड होने के बाद योर लविंग सन इस तरह से आप दे सकते हैं, या योर्स अफेक्शनेटली, और ये भी दे सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, योर्स लिखने के क्रम में यहां पर क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ देकर एस दे देते हैं, तो ये एकदम गलत है, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। यू विल हैव टू राइट एज फार एज एस इज कंसर्न, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। ये करेक्ट है आपका, योर करके एस लिख दीजिए,
अपोस्ट्रोफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपको फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लिखने के क्रम में अगर ध्यान रखते हैं तो आपको मार्किंग देने में, मार्क्स आने में कहीं कोई